प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे, लेकिन आप भी शिक्षकों की उलझनों में उलझे होंगे। और शिक्षक आपस में क्या कर रहे हैं, बिहार के शिक्षकों का होगा क्या, हमें तो पता नहीं। हम लोग ऑफलाइन वाले शिक्षक हैं, और ये बिहार के शिक्षक जो बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर के लिए एकेडमिक चलाते हैं, एकेडमिक सेशन चलाते हैं, जो ऑनलाइन के बहुत बड़े बड़े दो प्लेटफॉर्म है, इनको बढ़िया से पहचानते होंगे। ये दिशा ऑनलाइन क्लासेज है और ये भी टारगेट बोर्ड वाले हैं। कोई इसमें क्या कर रहा है, कोई क्या है, यही नहीं, और भी शिक्षक, और भी बिहार के और भी शिक्षक। अभी कुछ दिन पहले इनका जो कंट्रोवर्सी चल रहा था, आतिफ सर है और ये एजुकेशन बाबा वाले पर, ये फिर हमारे सनी सर है, इनके ऊपर चल रहा था, ये कोई पवन सर है। मतलब हमको लगता है कि बस जो कहते हैं ना कि जो भोजपुरी में बड़ी चलत रहे कुछ दिन पहले, पवन सिंह खेसारी लाल, वह घटना चल रहा है। तू उनकर बुराई करो, तार बुराई करे, आप बस एक में उलझा रहा लड़का, लड़किया के पढ़ाई से मतलब होता बावन। तो दोस्त हमनी के आखिर वास्तव में के सही बा, के गलत बा, आखिर इससे होके के चाहिए कि ना, थोड़ा सा के बात खोली। देखो प्यारे, सबसे पहली बात है कि आज हमने क्लास लेने के लिए बैठे तो अचानक से हम कुछ काम कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन आता है और देखते हैं कि एक चैनल पर 1,92,000 लाइव वाचिंग, 1,92,000, जिनका हमने उसी समय थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लिया और स्क्रीनशॉट लेकर के आपको हम दिखाना चाहेंगे। हालांकि आप देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 1,92,739 को वाचिंग नाउ, और ये कब का है भाई, तो आज शाम की है। आप जाके देख सकते हैं इस चैनल पर दिशा ऑनलाइन क्लासेस। इनका हम प्रमोशन से नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कहना चाहते हैं ये, और इससे पहले अच्छा ये कराने के पीछे कौन है या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और शायद हमको लगता है कि हम तो एक छोटे मोटे यूट्यूबर है, छोटे मोटे ऑनलाइन के लिए होंगे, लेकिन यदि आइएगा हमारे यहाँ, आइए ना हमारे यहाँ आराम, दिखा देंगे अपना पास कितना बच्चा है हमारा, सब दिखा देगा बच्चा। आप ऑफलाइन ऑनलाइन इतना बड़े पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन इतना नहीं अफोर्ड कर सकते है, कर भी लेंगे तो कोई इसमें है नहीं, आपके बड़प्पन है। देखिए, लेकिन सबसे बड़ी बात कि स्कैम हो क्यों रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। उससे पहले सुबह सुबह ये वीडियो आया, हमने ये वीडियो थोड़ा सा सामने देखे हैं। जब ये 1,92,000 पहुंचा तो हमने वहां बहुत सारे कमेंट पढ़ा, और कमेंट पढ़ने के बाद देखा कि ये जो भी टीचर हैं एक ईवी वीडियो बनाए हुए हैं, जिनका आप नाम जानते हैं प्रिंस, और इन्होंने कहा कि सावधान बच्चों, सावधान बच्चों के साथ धोखा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, धोखा बर्दाश्त नहीं करेंगे, अच्छी बात, धोखा बर्दाश्त नहीं करिए। हम भी चाहते हैं कि आप बच्चों को अच्छे दिल से पढ़ाइए, और आप अच्छा पढ़ाते भी, इसमें आपको कोई दुराई नहीं, भी अच्छा पढ़ाते हैं, ई भी अच्छा पढ़ाते हैं। और दिक्कत यह है ना, देखिए टीचर हर कोई अच्छा हो, सीधी बात, बसरते ये ऑफलाइन के लिए है, ये ऑनलाइन के लिए है, और कोई ऑफलाइन के लिए है, इनके काफी व्यू जाते हैं, अगला कोई व्यू जाता है, उतना नहीं आता है। लेकिन हम सबों के लिए एक आपको बहुत बड़ा सीख देना चाहेंगे, और देखिए ईवी सर के 14.8 लाख लव इनके फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, और इनके कितने हैं 1,32,000, सॉरी ये गलती बोलिए 13,20,000 लगभग। तो इतना होने के बावजूद भी आपस में दोनों लड़ रहे हैं, इन पे सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ेगा, तो बच्चों पर पड़ेगा। और ऐसे आप करिएगा ना दोस्त, आपको बच्चा कहीं माफ नहीं करेगा। दोनों आपस में लड़िए मत, आपके जो भी घटनाएं हो रही है, जो भी कुछ यूं हो रहा है, तो आप उसको आपस में संभाल सकते हैं ना, आपस में बातें कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, ये किसी के साथ ऐसा होना ये लाजमी नहीं है, किसी के आप डायरेक्ट उसके ऊपर आप अटैक कर दे या कुछ भी कर दे, ये ऐसी बात नहीं है। लेकिन इससे पहले इस वीडियो में हमने जब देखा, इसमें बहुत सारे हमको बातें नजर आई, और इसमें एक जो सर है बता रहे हैं कि जो लाइव वाचिंग है उसको पैसा देकर बढ़ाया भी जा सकता है। तो हम आपसे कहना चाहते हैं ये कि ठीक है, आप लोग भाई बड़े बड़े, आप लोग बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, आपके पास बड़ा बड़ा टीम है, आपके पास बड़ा बड़ा टीम, आपके पास बहुत रुपया है, तो आपने बहुत जगह बढ़ा ली। लेकिन हम लोगों को क्या हुआ, अगर सोचो तो हम छात्रों से कहते हैं कि आप हर किसी के पास पढ़िए, ये मत है कि किसी का व्यू ज्यादा आ रहा है, जिसका प्रमाण ये सर ने अपने वीडियो में बताए थे, ये जो सर है अपने वीडियो में बताए हैं, और वीडियो में बताए हैं कि हम आज अपना
28,000 या 25,000 सब्सक्राइबर कराएंगे बस कुछ यूं पैसा खर्चा करके। और आज हमने देखा भी है, आज हमने देखा भी है प्यारे भाई कि इन्होंने आज अपना सब्सक्राइबर्स लाइव वॉचिंग जो है, इन्होंने अपना लाइव जो वॉचिंग था अपना लाइव वॉचिंग इन्होंने आप कह के कि रुकिए हम करा रहे हैं और 10 मिनट के अंदर इन्होंने अपना लाइव वॉचिंग भी कराया है। करीब करीब हमने देखा है 28 के, यानी कहा था 25,000 और कराए कितना 28। तो जरा सोचिए अगर का क्या होगा। टीचर अच्छे हैं, टीचर अच्छे हैं, लेकिन इन लोगों की नीयत अच्छी नहीं है, इन लोगों की नीयत अच्छी नहीं है, दोनों की बताएंगे। दोनों सर आपस में लड़ रहे हैं, इसके बच्चे से परेशान हो गए। आप बच्चों को पढ़ाने, बच्चों को लड़ना सिखा रहे हैं। और ये जो उम्र है दोस्त, ये जो हमारा उम्र है, इसमें हम कुछ भी हद से गुजर जाने की बात करते हैं। कहे किसी को मार, उसको मार दे, किसी को गोली मार तो गोली मार। भगत सिंह का नाम सुने होगा, ये उम्र भगत सिंह की, इसमें हम कुछ भी कर रहे थे किसी के लिए। और बात करेंगे जरा सा, ये देखिए दोस्त, ऐसा हम कहेंगे कि आपको जो भी चीजें हो रही हैं आप ऐसे मत करिए, आप उसको आपस में समझ लीजिए। और हाँ, दूसरी चीज है, हम दोनों शिक्षकों में थोड़ी बहुत बुराइयां देखे हैं और दोनों को हम कहना चाहेंगे, देखिए आप किसी को आप डायरेक्ट टारगेट नहीं कर सकते। कोई बड़ा से बड़ा टीचर हो, कोई छोटा छोटा टीचर हो, आप उसको डायरेक्ट टारगेट करके इतना किसी के आप फंक्शन को खराब कर दे, किसी के आप इवेंट को खराब कर दे, तो ये अच्छी बात नहीं है। वो व्यक्ति के ऊपर क्या होता है, आप कभी देखे होंगे सिनेमा में, किसी फिल्म में किसी की लड़की जो है भाग जाती है, तो उसमें उसके बाप के माथा पर क्या गुजरता है, उसके इज्जत का क्या होता है, वही हाल होता है। किसी को बदनाम करने के लिए भाई इतना नीचा भी गिरना सही चीज है ना, और इतना गिर रहे हैं तो आपका आज नहीं तो कल इंसाफ होगा ही होगा। आप आज नहीं तो कल को बच्चा दिखा देगा कि हम हैं किसी के बच्चे हो, और बच्चे किसी के नहीं होते, और शिक्षक किसी एक के नहीं होते, शिक्षक हर किसी के होते। अब हमने देखा था जैसा इस जो सर जो पढ़ा रहे थे, और हाँ ये जो सबसे बड़ी बातें हैं ना भाई, जो सबसे बड़ी बातें हैं कि लाइव काउंटिंग या जिसको हम बोल सकते हैं व्यूज, व्यूज को पैसा से बढ़ाया जा सकता है, व्यूज को रुपया दे करके बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि आज इन्होंने क्या किया, इन्होंने आज प्रूफ कर दिया कि नहीं, हम व्यूज को व्यूज बढ़ा सकते हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ा सकते हैं, हर चीज हम बढ़ा सकते, बस यूं पैसों। तो प्यारे भाई आप समझ जाइए, ये जो बड़े बड़े मठ लेके बैठे हुए ना दोस्त, उस मठ में जानते हो ना कौन है, हमको लग रहा है कि इसमें आसाराम बापू की तरह कोई भी चल रहा है। तो आसाराम बापू आप लोग मत बनिए प्लीज, सभी शिक्षक, भले आपको ये बुरा लगे वीडियो, हो सकता है कि मेरे चैनल को भी डिलीट करवा दीजिएगा, लेकिन हम लोग भाई ऑफलाइन वाले हैं, हम लोग लगता है केवल आप लोग ऑनलाइन देते हैं, आप लोग केवल जो है आप ऑनलाइन बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, बढ़िया है, लड़का पढ़ता भी है, लाख बच्चा पढ़ता है, लेकिन हम लोग भी ऑनलाइन में बहुत पहुंच करके ऑफलाइन, और हम लोग को बहुत खुशी बात की होता है ना कि हम लोग आप लोग के जैसा व्यूज बढ़ाने के लिए रुपया खर्चा नहीं करते, व्यूज बढ़ाने के रुपया खर्चा नहीं करते। सभी बड़े बड़े शिक्षक को लेकर हम कह रहे हैं, जो हम सब छोटे छोटे शिक्षक है, जो गांव से बिलोंग करते हैं, छोटे छोटे शहर से बिलोंग करते हैं, ये काम हरगिज नहीं करते। तो फाइनली हम बोल सकते हैं कि देखिए जितना आप मेहनत करते हैं, ये जो हमारे पास जो वीडियो क्लिप आया, इसमें आप देख सकते हैं कि सर ने डायरेक्ट बताया, हालांकि हम व्यूज को बढ़ा भी सकते हैं, जब इनको सुनिएगा आप वीडियो अलग देखे होंगे। और भाई ठीक है, इनका बात का नाम सही है, इनका भी का नाम सही है, लेकिन हम लास्ट नहीं कहेंगे कि सर ने भी जो कह के किए हैं ये अपने पर बहुत सही किए, कि अपने पर आपने दिखाए, अपने पर आपने अपने चैनल के ऊपर आपने कह करके 10 मिनट में हमको लगता है कि 28,000 बच्चे प्लस लाइक देख रहे थे, इन्होंने सही करा है। लेकिन किसी और के ऊपर ये करना बहुत दिक्कत है, और आपके ऊपर क्या मनहानि का केस भी दर्ज हो सकता है, ऐसा आप लोग मत करिए ना, तो बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा, आप जाएंगे इधर जाएगा उधर, आप लोग तो बच्चों का पैसा ले लिए हैं, बच्चों से फी वसूल कर लिए हैं, पहले लेते हैं फंडामेंटल कोर्स, फिर बेचते हैं क्रैश कोर्स, फिर बेचेंगे क्या, तो फिर क्या, तो ये सब आप करके बच्चों का भविष्य बर्बाद मत करिए। हम यही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग सभी को बढ़िया पढ़ाते हैं, लेकिन आपसे कहीं बहुत ज्यादा, ये बात आप नोटिस कर लीजिएगा, आपसे कहीं बहुत ज्यादा दोगुना मेहनत
आप पढ़ाते बहुत बढ़िया है, लेकिन कहीं उस बच्चे को बढ़िया बनाने लायक कहीं ऑफलाइन का टीचर करोगे। और हम देखते हैं कि जो बच्चे टॉप करते हैं तो सारे ऑनलाइन जो टीचर है पहुंच जाते हैं क्रेडिट लेने के लिए। वहां पर एक आपसे जरूर बात रिक्वेस्ट करेंगे, तो वहां पर जो ऑफलाइन गुरु जी हैं उनका भी जरूर सम्मान करिए, क्योंकि यदि कोई बच्चा ऑफलाइन नहीं पढ़ेगा, स्कूल नहीं जाएगा, ट्यूशन नहीं करेगा, तो केवल ऑनलाइन से वो बच्चा कोई टॉपर नहीं बन सकता। केवल टॉपर आप ही नहीं देते, टॉपर हर संस्थान के लिए सकते हैं। आप ऑनलाइन में है तो पूरे बिहार में है, तो बिहार के बच्चे ऐसे आपको चाहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि कोई टीचर हम जिसको फोन पर देख रहे हैं, जिस सामने आ जाए उसको गले लगा लेते हैं, प्रणाम करते हैं, हर चीज करते हैं, बच्चा इतना करता है। लेकिन ये सब के लिए आपको ज्यादा करना आवश्यकता है नहीं, आप क्रेडिट जो है दोनों को दीजिए। और सबसे पहले क्रेडिट्स पर हम चाहेंगे कि आप ऐसा बिल्कुल ना करें, कंट्रोवर्सी ना करें। कंट्रोवर्सी बहुत खराब चीज है, जो झगड़ा लड़ाई है इससे क्या होता है, अपनों का नुकसान होता है, अपनों मतलब अपने छात्रों का नुकसान है, जो आपको भगवान की तरफ पूछता है, आपको गॉड की तरफ पूछता है। तो आप तिल को ताड़ मत बनाइए, छोटी छोटी एक जिसको कहते हैं फुंसी को अंदर मत बनाइए, इसको आप उसी को मरहम लगा के बंद कर दीजिए। ठीक, हमारे यहां से बच्चे टॉप करते हैं, लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग ऑफलाइन के टीचर है, कोई जाना नहीं जाना कोई। ये जो बच्चे पिछला टॉपर है पचवा रैंक था, ये जो बच्चा है आपका, ये आपका कौन सा रैंक था, इसका भी सतवा रैंक था बिहार में मैट्रिक में। अभी हम लोग जाते हैं तो यही सर को इनको पहचानते होंगे, जहाँ पर ये औरंगाबाद के सर है, इनका ये बच्चा बहुत सारे टॉपर वहाँ आए, वहाँ मिले, तो बहुत सारे वहाँ पर टीचर मिलते हैं, बहुत सारे मेहनत करते हैं, लेकिन ये सर कभी ऑनलाइन में आया नहीं है। इनको जाहिर से सब मेहनत हम लोगों से आ नहीं सकते ऊपर, हम मेहनत करते हैं, हम दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन जो ये धंधा चल रहा है ना, ये धंधा बहुत बेकार है, क्योंकि व्यूज पैसों से बढ़ाया जा रहा है, सब्सक्राइबर्स पैसों से बढ़ाया जा रहा है, इसमें हम सब छोटों का बहुत दिक्कत। इसलिए सभी छात्रों से एक रिक्वेस्ट है कि सभी आप छोटे बड़े शिक्षक सबको सपोर्ट करें, जो अच्छा पढ़ाता है उसको आप सपोर्ट करें, जो अच्छा नहीं पढ़ाता है जो कंट्रोवर्सी में डाले या जो को गलत तरीका सिखाए, आपको गलत गलत बातों को बोलने को कहे। हम देख रहे हैं कमेंट में खाली गाली दे रहे हैं, खाली गाली दे रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं आप शिक्षक का भी उसमें कुछ योगदान है। कहेंगे हम तो सिखा नहीं रहे, लेकिन आप जो ऐसा कर रहे हैं ना उसके प्रति ये नफरत जो है ना, एक नफरत, एक चिंगारी, हल्का सा चिंगारी पूरे महल को जला देती है। ये बात मेरी बहुत आप गौर समझिएगा कि एक चिंगारी पूरे महल को जला सकती है। आप कितना हो बड़ा हो, लेकिन एक छोटी सी गलती आपके सारी ये जो 50 लाख 60 लाख सब्सक्राइबर सबको तबाह कर देगा। आपको एक बात हम कहेंगे, एक बार आप समझिएगा, जब आप लोग हम लोग जब पढ़ते थे उसमें वाईफाई स्टडी था, वाईफाई स्टडी जिस पर बहुत उस समय हम देखे थे 13 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाला चैनल था, लेकिन आज उसका स्थिति इतना खराब हो गया कहिए मत। सबसे बड़ा आपने देखा होगा कैची बायजूस, उतना बड़ा कंपनी रह गया। तो हर किसी का अंत होता है, इसलिए आप संभल के रहिए और सिंपल में रहिए, सिंपलिसिटी में रहिए, बच्चों के साथ अन्याय मत करिए, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। ठीक है, बाकी सब जो भी होगा अपना कमेंट बॉक्स में खुला है, अपना कमेंट जरूर करिएगा सभी कोई। यह वीडियो हम प्रयास करेंगे सभी शिक्षकों के पास पहुंचे, और सभी शिक्षक जितने भी ऑफलाइन के हैं, यदि ये चैनल पर कोई भी खरोच आता है तो भाई ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों शिक्षक हमें जरूर सपोर्ट करें। और दिशा ऑनलाइन क्लास भी अपने आप में सही है, और टारगेट बोर्ड भी अपने आप में सही है, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत है, इसका हम कतई सपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक सभी कोई को जय हिंद।